उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव की सरगर्मी पूरे देश में तेज हो गई है। इसी के साथ सुल्तानपुर में भी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल दिखने लगी है। सुल्तानपुर मतदाताओं के बीच जाकर न्यूज़ चैनल भी उनके मुद्दों और समस्याओं पर खुलकर बात कर रहे हैं और जनता भी अपनी बात खुलकर करने लगी है। आइए देखते हैं इसकी झलक। कभी नहीं मिलती थी। हाँ। लोग हम गोरा बारीक में चल के दिखा दीजिए मैम। हाँ। 60% यहाँ मतलब 50% हम लोगों का यहाँ का इलाका 50% मुसलमान 50% हिंदू दोनों लोग हैं, बराबर कंबाइंड है हम लोग। कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, ना लड़ाई हुई है, ना दंगा हुआ, हमारा हुआ होता है हम लोगों का। लेकिन जैसे कि अब हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोगों को प्रधानी से लेके या यहाँ तक जो योजनाएं आ रही हैं प्रधान के थ्रू या नेपाल के थ्रू गाँव तक, क्या मैम क्या बात कर रही हैं, क्यों काम नहीं करवा रहा है प्रधान? अरे मैडम गाँव के हर तरह की अलग अलग विचार धारा, एक जैसा कोई आदमी नहीं हो जाएगा, एक जैसा कोई आदमी नहीं हो जाएगा। अच्छा अमेरिका किस लिए गए थे? अमेरिका किस लिए गए थे? कौन मोदी जी अमेरिका? आप ये मत कहिए कौन नहीं जाता। आप बताइए नर ना पीछे नारी, वो क्या करेगा दुनियादारी, वो क्या करेगा दुनियादारी? सरकार कहती है हम लूटेंगे, कौन लूटेगा? कौन कह रहा सरकार लूट रही है? कौन कह रहा सरकार लूट रही है? तो ये क्या मतलब हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है? हमने तो ये नहीं कहा, हमारे लिए क्या कर रही है सरकार? हमसे कहा कहती है मेरे पास तो टैक्स तो लेते जा रही, बिजली का बिल लेते जा रही है, बैंक का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, ईएमआई बढ़ती जा रही है, कोविड के नाम पे कुछ दिया था 20% इंटरेस्ट, वो खाली अपने इंटरेस्ट में लेके बराबर करके इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट देते जा रही है। ये फंडे मैडम अभी ODOP एक चल रही है हमारे माननीय योगी जी का, सिर्फ मेला दिखलाना है उनको, मेला लगाए, एग्जीबिशन लगाए और एक भी बंदे की फैक्ट्री इंस्टॉलेशन नहीं की। प्रोजेक्ट कितने का है? 1 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक। अब आप मुझे प्रोजेक्ट कितना लगे? 0। लेकिन पेपर पे मैडम 1500 प्रोजेक्ट लगे हैं ऑन पेपर, 1500 प्रोजेक्ट लगे हैं ऑन पेपर। हाय अभी है, कुछ नहीं गिलास तोड़ा, बारह आना साला धक्के में धक्का खा रहा है इस बंदे को, देखो साला। हम इनको अभी 8 साल पहले देखते थे जींस और टी शर्ट पहन के बढ़िया घूमता रहता था, आज दाढ़ी बनाने के पैसे नहीं इसके पास, क्या बात कर रही है? नहीं है मैडम, ये अच्छे दिन है। अच्छा। सब अब भक्ति की तरफ जा रहे हैं, बाबाओं की सरकार है, सब बाबा बन जाएंगे। हाँ हम किसको लाएंगे? हम किसको लाएंगे? मेरे लाने जब तक ईवीएम है तब तक सरकार हमारी 300 सीट 400 सीट निश्चित है, दावे ऐसे यही होते हैं। अच्छा। हाँ दावे ऐसे नहीं होते हैं, दावों के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। अच्छा। दावा ऐसे नहीं किया जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पास, हम अभी ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया कितने की, उसने बोला 50 लाख की, अगर मेरी जेब में 50 लाख है तभी हम दावा करेंगे, ठीक है भैया परसों बहनामा करवाएंगे, जब आई नहीं तो क्या दावा? उसको दावा, उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरी सीटें हैं इतनी, तो वो दावा कर रहा है। अच्छा। क्या पूरा कर रहे हैं? अब वो ईवीएम के बल पे कि जो इलेक्शन विभाग के बल पे कि अपने झंडों के बल पे किसके बल पे करना वो जाने। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद।